बता दें जयपुर के गणपति प्लाजा में आयकर की रेड जारी है। प्राइवेट लॉकर को खंगाल रही है आयकर की टीम। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा इस समय कार्रवाई कर रही है। आपको अपडेट बता दें, अब तक 750 लॉकर्स की जांच हो चुकी है। आयकर विभाग जांच कर चुका है। अभी तक किसी लॉकर में कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है। अब करीब 350 लॉकर धारकों के केवाईसी दस्तावेजों की जांच जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। जांच में करीब 20 आवेदकों के दस्तावेजों पर संदेह है। अब लॉकर्स धारकों को समन दिए जाएंगे और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। आयकर कानून में संदिग्ध लॉकर धारकों पर कार्रवाई भी होगी। आयकर विभाग की टीम प्राइवेट लॉकर्स को जयपुर में खंगाल रही है। 750 लॉकर्स को खोला जा चुका है। तो अब लॉकर धारकों को समन दिए जाएंगे। 350 ऐसे लॉकर्स हैं जो कि संदिग्ध बताए जा रहे हैं, जिनको अब समन दिया जाएगा। जयपुर के गणपति प्लाजा में आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा की टीम ये कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें 750 लॉकर्स की जांच कर चुका है विभाग। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता विमल कोठारी। विमल, 750 लॉकर्स की जांच हो चुकी है, फिलहाल कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। अब 350 लॉकर्स को खंगालने की तैयारी की जा रही है, खंगाला जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? सौरभ जी, इसमें जो अपडेट है वो ये है कि गणपति प्लाजा में जो वॉल्ट है, प्राइवेट वॉल्ट है, उसमें कुल 1100 लॉकर्स हैं और इन 1100 लॉकर्स में से 750 लॉकर्स खाली थे और 350 लॉकर्स वे हैं जिनको किसी ने किसी आदमी को अलॉट किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज सुबह 10 बजे दोबारा अपनी कार्रवाई शुरू की है और अभी जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से 20 से अधिक ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे लॉकर्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पर इनकम टैक्स विभाग को अंदेशा है कि इसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है। अब आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो इन सभी लॉकर्स के जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो भी लॉकर धारक बताया जा रहा है उसको संबंध देंगे, उसके बयान लेंगे और उसके बाद आयकर कानून में जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। एक जानकारी और मैं दर्शकों को देना चाहता हूँ कि इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि जो लॉकर धारक हैं उनकी निजता पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़े और जो भी लॉकर धारक हैं उनमें किसी तरह की हड़बड़ी या घबराहट नहीं हो। जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से यही है कि अभी तक 20 लॉकर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के आधार के ऊपर जिन लोगों के नाम से वो लॉकर दिखाए गए हैं उनको संबंध दिया जाएगा, उनके बयान दिए जाएंगे और फिर उसके बाद जरूरत पड़ी तो हो सकता है इनकम टैक्स अधिकारी उन लॉकर धारक के सामने ही उस लॉकर्स को खोलें और उस लॉकर्स में क्या रखा हुआ है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कॉल करें। जी, ये 20 लोग कौन हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है या फिर ये संदिग्ध क्यों हो गए एकदम से? देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दस्तावेज जांच करने के कुछ तरीके होते हैं जी। उन दस्तावेज जांच करने के तरीकों के आधार के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अभी इनके ऊपर संदेह है। इनको कोई आरोपी या किसी तरह की गड़बड़ी करने वाला नहीं माना जा सकता, क्योंकि संदेह के आधार पर इनको अलग से जांच के लिए इनकम टैक्स अधिकारियों ने चिन्हित किया है। इस आधार पर ये माना जा सकता है कि इन लोगों ये जो 20 लॉकर्स बताए, 20 जो डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं उनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी मिले या कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ लॉकर्स बेनामी मिले, जैसे किसी और के और ने लॉकर का अलॉटमेंट कर रखा है लेकिन इस लॉकर का ऑपरेटर कोई दूसरा है, तो ये केवल और केवल डाउट की बात है। अभी इन 20 लोगों के बारे में भी ये पुख्ता रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये संदिग्ध है, इसमें कोई काला। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विमल इस तमाम जानकारी के लिए।